शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, देखते हैं क्या है फुल अपडेट। इसी तरह की शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। लोक शिक्षण संचालनालय में शिक्षकों को उच्च पद का प्रभार देने एवं अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग में बढ़ती गई भारी विसंगतियों के चलते अब इस मुद्दे पर स्कूल शिक्षा मंत्री की एंट्री हो गई है। स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय शिल्पा गुप्ता को एक नोटिस लिखकर कहा है कि मेरे अनुमोदन के बिना प्रशासनिक स्तर पर एक भी स्थानांतरण नहीं होंगे। मध्य प्रदेश में पिछले 1.5 साल से स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों को उच्च पद प्रभार देने व अतिशिष्ट शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। ऑफलाइन चल रही काउंसलिंग में भारी विसंगतियाँ, इसका शिक्षक विरोध कर रहे हैं। 1.5 साल में 20,000 शिक्षकों को उच्च पद का प्रभार और 16,000 शिक्षकों को खाली पड़े स्कूलों में भेजा जा चुका है। 2 दिन पहले संचालक लोक शिक्षण के द्विवेदी ने एक आदेश जारी कर कहा है कि अतिशेष शिक्षकों की आयोजित की गई काउंसलिंग में कतिपय लोक सेवक अनुपस्थित रहे। कई लोक सेवकों ने शाला चयन के लिए असहमति दी। ऐसे अतिशेष समस्त लोक सेवकों को काउंसलिंग के लिए 3 अक्टूबर को बुलाया गया। यह काउंसलिंग के माध्यम से स्कूलों के चयन का अंतिम अवसर था। काउंसलिंग में उपस्थित नहीं होने एवं शाला चयन नहीं करने पर प्रशासनिक रूप से आपको अन्यत्र पदस्थ किया जा सकेगा। यानी लोक शिक्षण किसी भी शिक्षक का अपने स्तर पर प्रशासनिक स्थानांतरण कर सकता है। संचालक के आदेश पर स्कूल शिक्षा मंत्री ने आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय को एक नोटशीट लिखी है। नोटशीट में लिखा है काउंसलिंग में विसंगति देखने में आ रही है। जिला स्तर पर शिक्षकों के अभ्यावेदन का निराकरण नहीं किया गया है, इससे लोक सेवक परेशान, इसलिए प्रशासनिक स्थानांतरण मेरे अनुमोदन के बिना नहीं किए जाएंगे। तो यह शिक्षा मंत्री द्वारा नोटशीट जारी कर दी गई है कि उनके अनुमोदन के बिना किसी भी शिक्षक का प्रशासनिक ट्रांसफर उनके पूछे बिना नहीं किया जाता। तो इसी तरह की शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।